ने कोई ऐसी वीडियो यूज कर रखी है जिस वीडियो में कॉपीराइट मटेरियल है, तो आपका चैनल डेंजर जोन में आ सकता है, आपका चैनल डिलीट और सस्पेंड दोनों हो सकता है। तो याद रखना, कभी भी मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद ये गलती मत करना। हेलो दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपको करना क्या होता है? कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और उस काम को अगर आप करते हैं तो आपका चैनल मतलब बूस्टअप होता है, मतलब ग्रो करता है, और आपके चैनल पर पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लाइव कि क्या क्या कर सकते हैं चैनल मोनेटाइज होने के बाद। तो सबसे पहले आपको अपने YouTube स्टूडियो में आ जाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और सब कुछ मुबारक हो, बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ लिख के आएगी। उसके बाद आपको कंटेंट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जब आप कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी वीडियो आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ दिखती है, जो कि आपको इसको ऑन करना है, मोनेटाइजेशन ऑन करना है, राइट। अब मोनेटाइजेशन तो ऑन करना है, लेकिन इस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करो, वीडियो पे मोनेटाइज ऑन करवाता हूं। उससे पहले आपको यहां पर मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सुपर पर क्लिक कर सकते हैं, और सुपर पर क्लिक करने के बाद सुपर चैट इनेबल कर सकते हैं। सुपर चैट इनेबल करने का मेन मकसद ये होता है कि सुपर चैट आप इनेबल करते हैं तो आपके चैनल पर मतलब जब लाइव स्ट्रीम आप करेंगे तो कोई सुपर चैट देकर आपको पैसे दे सकता है। तो यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर डाल देना है फुल नेम, जो कि इनके चैनल का पूरा नाम राजस्थान वायरल किंग है, तो मैं इनके चैनल का नाम डाल देता हूँ, या फिर इनका पूरा नाम डाल देता हूँ, अजय सिंह। यहाँ पर अजय सिंह डाल दिया, और इनकी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर जीमेल आईडी जो है ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, स्विच अकाउंट, और ये जीमेल आईडी मैंने कॉपी कर ली। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे दोबारा से क्लिक किया, और अजय सिंह ईमेल आईडी, और कंपनी नहीं है तो यहाँ पर डाल दो राजस्थान वायरल किंग, राजस्थान वायरल किंग, ठीक है, राजस्थान वायरल किंग डाल दिया, और एक्सेप्ट हमने कर लिया है। अब सुपर चैट जो कि ऑन हो चुका है, इनका अभी सुपर चैट ऑन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ें हो चुकी है, अब यहाँ पर सुपर चैट डिसेबल करना है तो इधर आप क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं, अगर आप टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो, और स्टिकर भी डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर लेना, ये आपका ऑन हो चुका है। तो एक काम आपको ये करना होता है मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद दूसरा काम आपको जो करना होता है, कंटेंट पर आओ। कंटेंट पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर जो आपकी सारी वीडियो हैं ये सब वीडियोज के मोनेटाइजेशन ऑन करने होते हैं। लोग कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे सर, लेकिन मोनेटाइजेशन पर ज़्यादा बहुत सारे ऐड नहीं चलाने हैं, नहीं तो स्किपेबल ऐड नहीं चलाने, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, CTR हाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप चला सकते हैं। अब सभी वीडियो के एक साथ मोनेटाइजेशन ऑन करने का एक तरीका है, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करो, और फिल्टर पर क्लिक करने के बाद मोनेटाइजेशन पर क्लिक करो, और यहाँ पर नॉट मोनेटाइज पर क्लिक कर दो, सारी वीडियो आपकी दिख जाएगी। यहाँ पर जितनी भी वीडियो है आपकी दिख जाएंगी। अब इसे सिलेक्ट कर लो सबको एक साथ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडिट पर क्लिक करो। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन ऑन कर दो। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन यहाँ पर ऑन करोगे, यहाँ पर ऑन पर क्लिक करके अपडेट वीडियोज़ पर क्लिक कर दो। अपडेट वीडियोज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है योर अबाउट अपडेट टू सेलेक्ट वीडियो, अपडेट कैन नॉट बी स्टॉप्ड वंस टू बी स्टार्टेड। तो यहाँ पर अपडेट वीडियोज़ पर जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद यहाँ पर अभी ये मोनेटाइज ऑन कर देगा। तो जस्ट हम कुछ मिनट इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी से टाइम तो लगेगा ही, जो कि मोनेटाइजेशन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी वीडियो है इनके चैनल पर, और इनका चैनल मोनेटाइज हो गया 3 से 4 दिन लगे, बहुत जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन्हें भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बल्क जो कि 30 सिलेक्ट किया था मैंने वीडियो, और मोनेटाइज ऑन हो गया है, लेकिन मोनेटाइज तो ऑन हो गए हैं चैनल पर, उसके बाद कुछ यहाँ पर जो दिख रहा है 2 आइकन अभी आपके सामने है। सबसे पहला एक ये येलो डॉलर और एक ये ग्रीन डॉलर। तो जो ग्रीन डॉलर है उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस पर ये येलो डॉलर है इस पर क्या होता है? इस पर एक्चुअली क्या होता है कि ऐड सुटेबिलिटी
ज़्यादा है लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसलिए होता है क्योंकि ये बताया गया है कि ये वीडियो आपके 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं और इस वीडियो पर हम लिमिटेड ऐड दिखाएंगे, ज़्यादा ऐड नहीं आएगा। मतलब इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन इससे आपको ऐड कम दिख मतलब आपके वीडियो पर देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा बेनिफिट कम होता है। तो इस पर भी हम रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब ये काम मैंने कर लिया, अब जो वीडियो मेरी रह गई है मोनेटाइज नहीं हुई अभी, तो उस पर कैसे मोनेटाइज उसको करें। फिल्टर में जाएंगे, दोबारा से मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे, नॉट मोनेटाइजेशन अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोबारा से अपडेट वीडियोज हो रही है। एक एक करने के बजाय आप एक साथ सभी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मोनेटाइजेशन तो आप ऑन कर देंगे, उसके बाद ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसी वीडियो यूज कर रखी है जिस वीडियो में कॉपीराइट मटेरियल है, तो आपका चैनल डेंजर जोन में आ सकता है, आपका चैनल डिलीट और सस्पेंड दोनों हो सकता है। तो याद रखना, कभी भी मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद ये गलती मत करना। ये काम करने होते हैं मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, और आई होप कि आपको पता चला होगा कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद क्या क्या काम करना होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपके पास हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस।